डॉलर चने की आवक है वो लगातार बढ़ रही है। चूंकि डॉलर चने की मांग भी जो है वो विदेशों में बढ़ रही है, इसी का कारण है कि लगातार जो दाम में उतार चढ़ाव की स्थिति है वो भी इसमें देखने मिल रही है। हमारे साथ व्यापारी है छावनी अनाज मंडी के, इनके पास सीधे चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ स्थिति डॉलर चने की अपनी बार रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश अग्रवाल है, मंगल मूर्ति कॉर्पोरेशन छावनी अनाज मंडी। रईस जी, किस तरह की स्थिति आज हमको देखने मिल रही है डॉलर चने? डॉलर चने की इंदौर में 8,000 बोरी की आवक है, मध्य प्रदेश में और भी बहुत अच्छी अच्छी मतलब अच्छी आवक है, सब मिला के 35,000 बोरी के आसपास की मध्य प्रदेश में आवक है। और इस बार डॉलर चने की पैदावार बहुत अच्छी है, क्रॉप गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में क्रॉप बहुत अच्छी है। बाजार अभी कंटिन्यू नीचे जा रहा है, आज 8,000 बोरी की इंदौर मंडी में आवक थी, मंडी नीचे में 9,495 से लेके ऊपर में 10,200-10,300 रुपए बिकी है। लगातार जो विदेशों में आवक जो मांग है वो बढ़ रही है, तो उसका कोई असर पड़ेगा इसका? मांग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट आइटम है, मांग बढ़ेगी तो आगे बाजार बढ़ेगी। लेकिन अभी कुल मिला के क्रॉप पिछले बार से बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट में माल मांग कम है, इसलिए बाजार नीचे ट्रेंड में चल रहा है। और लगातार आवक भी बढ़ रही है, चूंकि सीजन अब है, आवक भी लगातार हमारे पास बढ़ रही है। अभी तो आवक शुरू हुई है, अभी तो 3-4 महीने कंटिन्यू क्रॉप आएगी और माल अभी बहुत आएगा, तो अभी कोई तेजी का अनुमान अभी तो रिसेंट में कुछ नहीं लग रहा है। मई तक बॉटम बनता है हर साल काबली चने का, मई के बाद क्या स्थितियां रहेंगी उस समय समझ में आएगा कि आगे का व्यू क्या रहेगा। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये व्यापारी थे छावनी अनाज मंडी के हमारे साथ, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि लगातार जो आवक है डॉलर चने की वो बढ़ रही है और इसका सीधा असर जो अलग अलग देशों से डिमांड है उस पर भी देखने मिल रहा है छावनी अनाज मंडी में। और लगातार छावनी अनाज मंडी में जो देसी चना है उसकी आवक बढ़ रही है, चूंकि मौसम है देसी चना आने का और यही कारण है कि लगातार आवक बढ़ने से उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो भी देसी चने में देखने मिल रही है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उससे सीधे जानेंगे क्या कुछ स्थिति देसी चने की अभी चल रही है। क्या नाम है आपका? शांतिलाल। व्यापारी हैं शांतिलाल? हाँ। क्या स्थिति रही आज देसी चने की? 5,000 से 6,000। अच्छा। अभी ज्यादा मंदी की संभावना नहीं देसी चने में, डॉलर चने में मंदी और 200 रुपए के आसपास। ऊपर में कितना रहा आज? 6,600 और नीचे में 5,000। आवक धीरे धीरे बढ़ रही है चने की? अभी आवक देसी चने की काम है, अब बढ़ने की संभावना है। अब बढ़ने की संभावना। कौन कौन सी क्वालिटी का चना आता है? चना देसी और विशाल आता है और मौसम भी आता है, तीन तरह के चने आते हैं। मौसम भी 65-66 बिकता है। अच्छा, अब जो है बता रहे हैं कि सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी, तो सरकारी खरीद का भी? सरकारी खरीद से लंबा असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, सरकारी खरीद के भाव कहीं ना कहीं भाव है सरकार के ज्यादा भाव ना है। अच्छा, इससे ऊंचाई बिकेगा, 53 मंडी में बिक गया। अच्छा, और अपने यहाँ पर 52-53 लगभग सरकार का ने व्यापारी का सेम रेट है। सेम ही रेट है, इससे किसानों को कितना फायदा नुकसान रहेगा? किसानों को क्या, मंदी अटक जाएगी, ज्यादा भाव नहीं घटेंगे, 52-55 से ज्यादा भाव नहीं घटेंगे। अच्छे माल के जो 6,000 है वो 52-53 से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, कितने ट्राली माल आया होगा? यहाँ आती 15-20 ट्राली, ज्यादा नहीं आती देसी चना। अभी आज कौन कौन सी क्वालिटी का आया? आज ये डॉलर चना आया 10,000 बोरी का डॉलर। और देसी? देसी तो 1,015 मतलब देसी चना लगातार बढ़ेगा? हाँ, आवक बढ़ने वाली है, गर्मी बढ़ गई, धूप बढ़ गई, इसलिए इस तरह से। अलग अलग देशों में भी देसी चने की डिमांड है भारत की? हाँ, जाता है विदेशों में, डिमांड बढ़ेगी तो फिर कोई असर पड़ेगा? बाकी लंबा चौड़ा कोई अभी तेजी मंदी नहीं आने वाली, लंबी चौड़ी तेजी मंदी। तो निश्चित तौर पे देखिए, क्या नाम है आपका? हरिशंकर। क्या लेके आए मंडी में? डॉलर चना। क्या भाव गया आज? 9,575 रुपए। कौन सी क्वालिटी का है? डॉलर। ऊपर में कितना गया आज? ऊपर में 9,697, नीचे में 8,000। कम हो गए दाम? दाम कम हो गए। क्यों कम हो गए, कारण? क्या मालूम क्या कारण हुआ उसका, और अब आने वाले समय में है संभावना बढ़ने की? नहीं, फसल की आवक बढ़ेगी। उत्पादन कैसा रहा आपके पास? उत्पादन 1 क्विंटल 2 क्विंटल। मौसम का फर्क पड़ा? मौसम का बहुत फर्क पड़ा। क्या हो गया था मौसम में? ठंड ज्यादा हो? ठंड तो थी नहीं, वो कोहरे ने खराब कर दी। कोहरे ने खराब कर दिया? हाँ। तो नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। विदेशों में अब इसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसका भाव पे कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा, विदेशों में डिमांड बढ़ेगी तो भाव तो बढ़ेगा। आपका नाम? हरिशंकर पाटीदार, बड़गांव माली। विनोद गौड़। क्या लेके आए? चने, डॉलर चने। क्या भाव गया है आज? गया 10,000 रुपए। अच्छा,
अच्छा, आज ऊपर में कितना भाव था मंडी में? ऊपर में 10,100 रुपए लास्ट भाव। और नीचे में? नीचे में समझ लो 9,500 रुपए। कितने कट्टे माल आया होगा? अंदाज में समझ लो कि 400-500 कट्टे। अच्छा, क्या भाव बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? नहीं, भाव कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? अब क्या पता, क्या डॉलर की आवक होने से या फिर कुछ क्वालिटी में कमी होने से। अपना उत्पादन कैसा रहा आपके पास? आपकी बार उत्पादन तो ठीक रहा है, और कहीं पर हाँ मौसम की मार भी पड़ी है। हालांकि बहुत मार पड़ी है, कहीं पर 2 का एवरेज आ रहा है, कहीं 4 का एवरेज आ रहा है, ऐसे एवरेज में आ रहा है मौसम के कारण। हाँ, मौसम के कारण। आपका नाम? विनोद गौड़।